हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। दिल में घर इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल में घर इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। दिल में घर इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। दिल में घर इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और नात नात सदियों से लिख रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ लिखा ही नहीं। नात सदियों से लिख रहे हैं लोग, नात नात सदियों से लिख रहे हैं लोग, ऐसा लगता है ऐसा लगता है तो कुछ लिखा ही नहीं। और शिरबा कभी किया ही नहीं, चाक दामन कभी सिया ही नहीं। ये शेर सुनने तवज्जो के साथ कमेटी वालों से मैं हाथ जोड़ के तवज्जो चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बराए करम इंतजार ना पैदा करें। ये प्रोग्राम आपका है, जैसा चाहे आप इसे सुन सकते हैं। शेर सुनने कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिरबा कभी किया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। और दे रहा था बड़ी हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था बड़ी हिकारत से मैं भी खुददार था मगर लिया ही नहीं। हजरत मैं अगर चाहूं तो आप लोगों को जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदी पर भी पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि वहां से गिरने के बाद आपका अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं शायरी करके सीधे सीधे आपके दिल तक पहुंचना चाहता हूं। मैं शोर मचाना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मियां हम शेर है, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियां हम शेर है, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। हम लहजा नरम भी कर ले तो झुंझलाहट नहीं जाती। मियां हम शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। हम लहजा नरम भी कर ले तो झुंझलाहट नहीं जाती। और यजीदी भाग जाते हैं बचाकर जंग से उंगली, हुसैनी रहते हैं जब तक गर्दन कट नहीं जाती। भाग जाते हैं बचाकर जंग से उंगली, यजीदी भाग जाते हैं, यजीदी भाग जाते हैं बचाकर जंग से उंगली। हुसैनी रहते हैं, हुसैनी रहते हैं जब तक गर्दन कट नहीं जाती। बोलते और पूछते हुए माहौल में इस टाइम मैं देख रहा हूँ, मेंबर शरीफ पर बहुत सारे सनागर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जाकिर नूर तहसीनी की नजरें दिखा खतीब अहले सुन्नत सुफ्ती अफसार रजा साहिब किबला पर जाकर ठहर जाती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर का लफ्ज है वो जरा जहन में रखे और हर शख्स सोचने और समझने के बाद ही यहाँ माइक पर खड़ा हो, है ना। मैं किसी पर शायद नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुख्तसर का मायना वो समझता हो तो समझ ले। अब हजरत की आमद आमद है, इस्तकबाल में नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती अफसार साहिब किबला, मुफ्ती अफसार साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुझे मजाज है जो चाहे फैसला कर दे, दे उमर कैद की सौगात या रिहा कर दे। अगर जबान पे तुझे उबूर हासिल है तो आ एक लफ्ज़े मोहम्मद का तर्जुमा कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। और फरमाते आला हजरत वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। आइए उसी नबी पाक की बारगाह में सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही प्यारा शेर आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। उससे पहले आपकी समातों का जायजा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ किस माहौल के सुनने वाले हो। तमाम लोग मिलकर साथ दोगे ना,
हाथ उठाकर बोले साथ हो गए। न मैं मदीने में अजनबी हूं, न कुवे सरकार अजनबी है। न मैं मदीने में अजनबी हूं, न कुवे सरकार अजनबी है। कसम है ये निस्बते गुलामी, ये खाक मुझ में रची बसी है। कसम है ये निस्बते गुलामी, ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल ये मुझसे कह रहे हैं, तू दो सखी है, तू दो सखी है। मेरे अमल ये मुझसे कह रहे हैं, तू दो सखी है, तू दो सखी है। मगर ये कहती है उनकी निस्बत, तू जन्नती है, तू जन्नती है। मगर ये कहती है उनकी निस्बत, तू जन्नती है, तू जन्नती है। न छेड़ तकरार कुफ्र ईमा, न थाम नजदी मेरा गिरेबा। न छेड़ तकरार कुफ्र ईमा, न थाम नजदी मेरा गिरेबा। तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी है। तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी है। आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में, बोले नबी नबी। हर सिमत फजा में, ऊंचा बोले हर सिमत फजा में, हर सिमत फजा में। पीछे तक बोले पीछे तक। आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में, नबी नबी। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में, गुलजेब हवा में। ये बीच वाले हजरात बहुत खामोश बैठे हुए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग खामोश और चुप होकर बैठे हैं। तमाम के साथ मिलकर साथ दे, बोले हर आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में, नबी नबी। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में, नबी नबी। गुलजेब हवा में और ऊंचा बोले गुलजेब हवा में, नबी नबी है। कौन नबी? अलिफ से लो इंसान नबी, बे से कामिल बुरहान नबी, ते से तदहीर की जान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाब नबी, मकदूब नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्म कुरान नबी, खालिक का शाहकार नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से जहली आस नबी, रा से रहबर हाल नबी, जाल से है जाहिद भी नबी, सीन से है साकी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, स्वास सादिक फिक्र नबी, दुआ से सामिद फिक्र नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, जा से पुरनूर नूर नबी, जा से पुरनूर नूर नबी, عين سے عين الحق نبی، عين سے عين الحق نبی، غین سے منی غنبری، غین سے غنی مغنی بھی نبی، فا سے فضل رب بھی نبی، میرا قاب سے قبلہ نبی نبی ہے، قاب سے کعبہ، اے بابا سبحان اللہ، قاب سے کعبہ، نبی نبی، قاب سے کعبہ، قاب سے کعبہ، نبی نبی، میرا قاب سے قبلہ نبی نبی ہے، قاب سے کعبہ نبی کبھی، گر پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کے بعد فضا ہے نبی، میم سے محمد نام نبی، نون سے نور قرآن ہے نبی، वाओ से चेहरा बद्दुआ है नबी, या से अब्दुल्लाह सहाबी नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, मेरी जान नबी। हम सुन्नी की पहचान, हम सुन्नी की पहचान, हम सुन्नी की पहचान, हम सुन्नी की पहचान। नबी कौन नबी? कौन नबी? कौन है नबी के कदमों में? दारा नबी के कदमों में, तरफैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, तकदीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, तस्वीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के, पीर नबी के, शबीर नबी के कदमों में। कौन नबी? कौन नबी? सिद्दीक आका नबी नबी, फारूक आका नबी नबी, उस्मा का आका नबी नबी, हैदर का आका नबी नबी, तलहा का आका नबी नबी, हमजा का आका नबी नबी, बूजर का आका नबी नबी, अरबी का आका नबी नबी, अजमी का आका नबी नबी, मुल्की का आका नबी नबी, शामी का आका नबी नबी, शामी का आका नबी नबी, हिंदी का आका नबी नबी, पाकी का डाका नबी नबी, मिस्री का आका नबी नबी। कौन नबी? कौन नबी? काबे काबा नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, सहरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, नबी 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 नबी। इसलिए बरेली की धरती से ये इमाम ने पुकारा था, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और गमजदों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। हजरते मोहतरम खुतबाए मसूमा के बाद जिस आयत पाक का मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बे वकाबा जुलजलाल इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। ऐ महबूब आपके रुखे अनवर की कसम, आपकी ज़ुल्फ़े मुअम्मल की कसम,
आई विल टेल यू टुडे अबाउट द ब्यूटीज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबाराक व तआला मेड अ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो वेरी ब्यूटीफुल एंड नॉट सेम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एवरी वन इन दिस होल्ड इन दिस ऑल होल्ड। इस दुनिया में नबी पाक ने जो हुस्न व कमाल, जो खूबसूरती, जो पैकरे हुस्न व जमाल नबी को अता फरमाया, वो कोई न किसी फरिश्तों को, न किसी नबी को मिला, न किसी रसूल को मिला, न किसी इंसान को मिला। इस दुनिया का अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान, कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत बशर है, तो कुर्बान जाइए वो मेरा और आपका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे ज्यादा खूबसूरत तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और देखिए पैदा होने का अंदाज भी क्या है। हज़रते आमना फरमाती है, जब मेरा बच्चा हमारे प्यारे पैगंबर जब पैदा हुए तो ऐसे पैदा नहीं हुए जैसे और बच्चे पैदा होते हैं, बल्कि फरमाती है जब तक मेरे पेट के अंदर रहे मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ। जब तक मेरे पेट के अंदर रहे, जैसे आम औरतों को जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, कभी मुझे कोई ऐसी तकलीफ, कोई दर्द नहीं हुआ। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, ऐसे पैदा हुआ, ऐसे पैदा हुआ कि उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ, सुभान अल्लाह, उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ, उसके बालों में कंघी की हुई थी, उसका नाड़ा कटा हुआ था, खतना किया हुआ था, ऐसा प्यारा पैगंबर, ऐसा प्यारा पैगंबर। आप देखिए अल्लाह फरमाता है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ऐ महबूब आपके रुख अनवर की कसम, आपके सुल्फ़े मुअम्मल की कसम। आप देखें कि जिसकी कसम अल्लाह तबारक व तआला याद फरमाता हो, उसके हुस्न जमाल का आलम क्या हो। बाबा सुभान अल्लाह। आपको बताऊं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने से निकले, शहर के लिए निकले, शहर के अंदर से बाहर जाते हैं, आगे बाजार लगा हुआ था, तिजारत हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकले, एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ जाता है, कुर्बान जाइए ऐसे ऊंट पर भी कि जिसको मुस्तफा करीम ने पसंद फरमाया हो, सुभान अल्लाह। हम ऐसे जानवर के कदमों पर कि जिसको मुस्तफा करीम ने पसंद फरमा लिया हो, रसूल पाक ने ऊंट को पसंद फरमाया, ताजी से इरशाद फरमाया, कौन इसका मालिक है, इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ, इसका मालिक कौन है। वो ताजिर आगे आता है और कहता है, इसका मालिक मैं हूँ, मेरा ऊंट है, क्या कीमत देंगे। नबी पाक ने फरमाया, क्या कीमत मांगते हो, क्या लेना चाहते हो, कीमत बताई जाती है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मैं तैयार हूँ, इसकी कीमत अदा कर दूंगा, लेकिन बात यह है, मामला यह है कि मैं यहाँ पर अपने टहलने के लिए आया था, सैर करने की गर्ज से आया था, खरीदने का कोई इरादा नहीं था, ना मैं बाप भूल करने, मैं यहाँ पर कोई कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आया था, फकत घूमने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा ऊँट पसंद आ गया, लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो, तुम इस बात पर खुश हो, मुझे ऊँट दे दो, पैसे तुम्हारे बाद में दे दिए जाएंगे, कीमत तुम्हारी बाद में अदा कर दी जाएगी। वो कहता है, मुझे पसंद है, आप ले जाए, कीमत बाद में दे देना। दूसरा ताजिर आता है, अपने दोस्त होता है, बोलता है, क्या कीमत ली, कितना पैसा लिया। वो कहता है, सौदा हो गया, सौदा हो गया, पर कोई कीमत नहीं ली है, कोई पैसा हाथ नहीं आया है, फिर क्या किया। वो कहता है, उधार दे दिया। वो कहता है, उधार, ये क्या बात हुई, क्या बाजारों में भी उधारी शुरू हो गई, मुझे बताया जाए। वो कहता है, नहीं नहीं, उधारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके हुस्न जमाल को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके, उसके मैं जमाल को देख करके ऐसा घुम गया था, ऐसा खो गया था उसके जलवों में, ऐसा घुम गया था, मुझे अपना होश नहीं था। वो कहता है, जानते हो, पहचानते हो, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पता कुछ भी है। वो कहता है, नहीं नहीं, पता कुछ भी नहीं है। वो कहता है, ये कैसी बात हुई, ना उसका नाम पता है, ना पता पता है, ना उसके बारे में कुछ जानते हो, उधार दे दिया। वो कहता है, बात ये है, उसने हुस्न जमाल का ये मामला था, उसके हुस्न जमाल में मैं ऐसा गुम हुआ था, मुझे होश नहीं था, लेकिन मेरा मानना है वो इंसान मेरे पैसे वापस कर देगा, मेरे कीमत अदा कर देगा, अल्लाह अल्लाह। दूसरा आता है, वो कहता है, यार कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, समाज फरमाना आशिकाने मुस्तफा हो, मुस्तफा के इश्क, मुस्तफा के इश्क में यहाँ बैठे हो, आप देखो तो सही यार कि मुस्तफा का जमाल क्या होगा। ताजिर है, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन दूसरा ताजिर आता है और कहता है, यार कैसी बातें करते हो, मुस्तफा उसका उनका हुस्न तो ऐसा बेमिसाल था, ऐसा बेमिसाल था, जब वो बात करते थे उनके लबों से फूल चढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, जब वो बात कर रहे थे उनके लबों से फूल चढ़ रहे थे, उनके मुंह से खुशबू निकल रही थी, मैं तो फकत वही देख रहा था, वही देख रहा था, अल्लाह अल्लाह। वो सबा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागो सलाम। फिर दूसरा आता है, वो कहता है,
यार तुम तो उनसे बातें करते थे, उनकी जबान देखते थे, उनकी मुस्कुराहट देखते थे, उनका चेहरा देखते थे, लेकिन कोई मुझसे पूछे, कोई मुझसे जाने जा करके मैं क्या देख रहा था। वो कहते हैं बताओ तुमने क्या देखा। वो कह रहा था कि जब वो बात कर रहे थे और जब वो तबस्सुम फरमाते थे, जब वो मुस्कुराते थे, मैं उनकी तबस्सुम को देखता था, उनके मुस्कुराने को देखता था। ऐसा लगता था पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में इनकी तरह कोई मुस्कुराने वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इनकी तरह कोई मुस्कुराने वाला नहीं हो सकता, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और फिर एक और आता है, वो कहता है कि तुम तो ये देखते थे, कोई मुझसे भी पूछे कि मैं उनके अंदर क्या देखता था। ये सब वो बंदे हैं जो नबी पाक को जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफा का जमाल ही ऐसा बनाया था कि हर गूंगा भी मुस्तफा के हुस्न को देखकर बोलने लगता था। वो कहता है कि तुम तो उनकी स्माइल देखते थे, उनका मुस्कुराना देखते थे, उनकी तबस्सुम देखते थे, कोई मुझसे भी पूछे मैं क्या देखता था। वो कहते हैं बताओ क्या देखते थे। वो कहते हैं मैं देखता था जब वो मुस्कुराते थे, उनके दांत उनके दंदाने मुबारक से जो नूर निकलता था, जो चमक निकलती थी, उन चमक को उस नूर को मैं सामने वाले पहाड़ों पर देखा करता था। अल्लाह अल्लाह, मैं पहाड़ों पर देखा करता था, ऐसे दंदाने मुबारक थे। एक बंदा और आता है, वो कहता है कि तुम तो ये कहते हो ना कि तुम उनके दंदान देखते थे, कोई मुझसे पूछिए आकर के मैं क्या देखता था, मैं क्या देखता था। वो कहते हैं बताओ क्या देखते थे। वो कहता है मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनके नैनों को देखता था, उनके भुओं को देखता था। ऐसी प्यारी आंखें जिसके लिए शायर ने कहा था, माँ जा माँ जा का कजला नैन भरे, वह शम्स का बटना मुख में मले, है यासी की चमक है आंखन में, ताहा का करिश्मा दातन में, बल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो ऐसी आंखें जो मैंने कभी देखी नहीं, ऐसी भी कोई किसी की आंखें हो सकती है जैसे आंखें इनकी थी। लेकिन जब बात लंबी हो गई, जब बात बड़ी हो गई, जब बात ने फूल पकड़ा, तो लोगों को तासुर ये दिया गया कि ऊंट चोरी हो गया। लोगों को ऐसा लग रहा था कोई ठग आया था, और आने के बाद वो पैसे ठककर चला गया। अब पैसे वापस मिलने वाले नहीं, क्यों? क्योंकि कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कुछ पता नहीं। फिर वो बंदा कैसे आ सकता है? जब ये बात लंबी हो गई, तासुर ये दिया गया ऊंट चोरी हो गया, तो खेमे के अंदर से एक आवाज आती है, खबरदार खबरदार। एक खातून बैठी हुई है, एक औरत बैठी हुई है, आवाज देती है, खबरदार कोई उन्हें चोर ना कहे, कोई उन्हें झूठा ना कहे। अगर वो नहीं आए, अगर वो नहीं पहुंचे, तो उनकी कीमत की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे पर। सुभान अल्लाह। और जो सुभान अल्लाह, ये कौन खातून है जो नबी को जानती नहीं है, नबी को पहचानती नहीं है? कहती है उनकी जमानत मैं लेती हूँ। वो कहती है चलो शुक्र है, इस बड़े बाजार में कोई तो ऐसा है जो उसे पहचानता है, जो उसे जानता है, उसके नाम को पहचानता है, जो कोई तो उसकी गारंटी ले रहा है, कोई जामिन तो है, कोई जमानत ले रहा है। वो कहते क्या तुम पहचानती हो, क्या जानती हो? वो कहते नहीं नहीं, पहचानती तो मैं भी नहीं। बोले सुभान अल्लाह, यार कैसे कमाल का हुस्न था। जो बंदी पहचाने भी नहीं, जिसे पता भी ना हो, और उसकी कीमत अदा करने के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले। वो कहते क्या पहचानते नहीं, फिर जिम्मेदारी कैसी, जिम्मेदारी क्यों ली गई है? वो कहती है क्योंकि जब इनका सौदा हो रहा था, जब ये मुस्तफा करीम से अपने ऊंट का सौदा कर रहे थे, अपने खेमे के अंदर बैठी हुई थी, उनका चेहरा देख रही थी, उनके बातों को सुन रही थी, उनकी हरकत को देख रही थी, उनके दस्ते पा को देख रही थी, उनके सादिक वाले नैनों को देख रही थी, आंखों को देख रही थी, उनके जो है पूरे हुस्न को देख, मैं समझ गई, यकीन हो गया, जो बंदा इशारा पा हुस्न व जमाल का पैकर हो, वो बंदा कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी झूठा नहीं हो सकता। यार ये होता है हुस्न कमाल कि जो अननोन पर्सन हो, अजनबी हो, पहचान तक नहीं हो, वो नबी के हुस्न की जमानत ले रहा है। वो कहता है जानती मैं भी नहीं। थोड़ी देर के बाद कुछ साहबा आते हैं, आने के बाद कहते हैं वो कौन है, कौन सा ताजर है कि जिसका ऊंट नबी पाक को पसंद आया, नबी पाक ने खरीदा है। वो ताजर आगे आता है, कहता है जी मैं हूँ, मेरा ऊंट लिया गया था और इतनी कीमत थी। वो कहते हैं ये खजूर है, नबी पाक ने मेहमान नवाजी के तौर पर, ज़ियाफ़त के तौर पर ये तुम्हें पेश की है, अब कीमत बताओ, कीमत क्या है? वो कहता है नहीं नहीं, अब कीमत नहीं बताई जाएगी, अब कीमत नहीं बताई जाएगी, अब सौदा नहीं होगा, अब तो सौदा सिर्फ होगा तो होगा मुस्तफा करीम के हुस्न के बाजार में होगा। अब सौदा जो होगा
मुस्तफा के हुस्न के बाजार में होगा वो कौन है। हम उनके मदा गो बन गए, हम उनके सनासराई करने लगे, हम उनकी तारीफें कर रहे हैं, उन्हें जानते नहीं, उन्हें पहचानते नहीं, आखिरकार वो है कौन, हमें बताया तो जाए। सहाबा कहते हैं वो मदीने पाक के रहने वाले हैं, हमारे साथ चलो। तमाम ताजर नबी पाक के साथ मदीने पाक में पहुंचे, नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। और मुसलमान होने के बाद जब मदीने से रुखसत हो रहे थे, मदीने पाक को अलविदा कह रहे थे, उनके चलने का अंदाज बदल जाता है, उनके तेवर बदल जाते हैं। वो ये बता रहे थे, वो ये पैगाम दे रहे थे, वो लोगों को ये बता रहे थे कि दुनिया में जब भी कोई मुस्तफा का गुलाम हो जाता है, उसके नाज बढ़ जाते हैं, उसकी उसकी हरकत बदल जाते हैं, उसके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, हमें जोरदार नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती अफसार साहब किबला, सर जमीने ललोरी खेड़ा, सर जमीने ललोरी खेड़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हमें नारे याद नहीं है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकदीर, नारे रिसाल। गोया के वो बता रहे थे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। नबी पाक का हुस्न जमाल तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा बल्कि पूरी दुनिया मिल करके सारे दरख्तों को कलम हो जाए, जितनी समंदर है स्याही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफे रसूले अकरम, चाहे चाहे मखलूक अमल सारी खुदाई हो जाए, जितने भी बंदे हैं सब करके नबी पाक की अगर तारीफ करने बैठ जाए, हुस्न जमाल का तस्करा करने लग जाए, तो मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज में एक जो है आपके सामने एक मामला एक तस्वीर पेश की थी नबी पाक के हुस्न जमाल की। आप सोच सकते हैं कि नबी पाक का हुस्न अल्लाह ने कैसे बनाया होगा, जो दुनिया में बिल्कुल अनमोल हो, जो दुनिया में जिसकी कोई मिसाल नहीं, कोई नजीर नहीं, कोई तमसील नहीं। आला हजरत इसी की तरह इशारा फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो जो यहां जो वहां से हो, यही आगे हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक से दुआ है कि मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलती है उनको माफ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अली वसल्लम, जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद वमा अलैल बलाग, अस्सलामु अलैकुम।